और विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान से भारत के लिए रवाना हो गए हैं। एस जयशंकर इस्लामाबाद में एससीओ समिट में शामिल हुए। इस दौरान आतंकवाद को लेकर उन्होंने पाकिस्तान को जमकर घेरा। बीजेपी ने आज से सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने सदस्यता को लेकर इसका आगाज किया। बीजेपी के सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बतौर सदस्य बनकर की और ट्वीट के जरिए सक्रिय सदस्य बनाने वाले कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ऐलान भी किया। पीएम मोदी ने लिखा, मैं बीजेपी का प्रथम सक्रिय सदस्य बनने पर गौरवान्वित हूं। एक कार्यकर्ता को सक्रिय सदस्य बनने के लिए 50 सदस्यों को जोड़ना होगा। ऐसे कार्यकर्ता मंडल समिति का चुनाव लड़ सकेंगे और उन्हें पार्टी के लिए काम करने के कई मौके मिलेंगे। आज से बीजेपी सदस्यता अभियान खत्म हो रहा है, उसके बाद पार्टी सक्रिय सदस्यता अभियान के लिए जुट गई है जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। पीएम मोदी ने इस अभियान को आंदोलन का नाम दिया और कहा कि इस अभियान से पार्टी जमीनी स्तर पर और मजबूत होगी। इस अभियान में हर बूथ पर 2 और हर शक्ति केंद्र पर 3 सक्रिय सदस्य बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। सक्रिय सदस्यता ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी रखा गया है, जिन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है। भारत माता की। और कर्नाटक सरकार पर एससी एसटी फंड का चुनाव में इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। बीजेपी ने आज इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। ईडी की चार्जशीट का हवाला देते हुए बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर एससी एसटी फंड के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि बेल्लारी लोकसभा सीट में कांग्रेस के 7 लाख वोटरों को इस फंड से पैसा बांटा गया। बीजेपी सांसद और पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जाति विकास निगम का फंड वोटरों में बांट दिया। फंड में किस प्रकार से उसे डाइवर्ट करके आम चुनाव जो अभी 2024 में हुए थे, उस आम चुनाव में बेल्लारी लोकसभा में लगभग 7 लाख से अधिक लोगों को 200 रुपए करके बांटा गया है। बीजेपी ने दावा किया है कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में इस बात का खुलकर जिक्र किया है कि ये पैसा किस फंड से लिया गया और कहां बांटा गया। कांग्रेस ने 7 लाख वोटर्स को कांग्रेस को वोट देने के लिए किसी को 200, किसी को 300, किसी को 400 इस प्रकार से वहां बांटा है। बीजेपी ने यह भी दावा किया कि सीएम डीके शिव कुमार ने भी माना है कि फंड डाइवर्ट किया गया है।